हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर डार्क माइंड में बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेनोवो के एक नए लैपटॉप का रिव्यू करूंगा, जिसे लेनोवो ने रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया है। और बता दूं आपको, इस लैपटॉप में AMD का लेटेस्ट जनरेशन का राइजन 7 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और यह एक कम बजट में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाने वाला लैपटॉप है। और यह लैपटॉप उन लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त डील है जिनको प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन के जैसे कामों के लिए लैपटॉप परचेस करना है। और लेनोवो के इस लैपटॉप में लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि क्या यह लैपटॉप आपके डे टू डे के मल्टीटास्किंग के लिए वैल्यू फॉर मनी डील होगी या नहीं। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस लैपटॉप के बारे में। आज मैं जिस लैपटॉप की बात कर रहा हूं वो है लेनोवो आइडियापैड स्लिम 5। इस लैपटॉप में 14 इंचेस का एंटी ग्लेयर कोटिंग वाला फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और आपको इस लैपटॉप के डिस्प्ले में 300 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है और 45% का NTSC कलर गैमेट का सपोर्ट देखने को मिलता है। और लैपटॉप के डिस्प्ले के कलर्स काफ़ी बढ़िया हैं, और आपको इसमें फुल HD रेजोल्यूशन वाली वीडियोज़ और मूवीज़ को देखने में बहुत मज़ा आएगा। और डिज़ाइन की बात करूं तो लेनोवो के इस लैपटॉप का डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम सा लगता है, और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। और इस लैपटॉप का टॉप सरफेस एल्यूमिनियम का बना हुआ है, और इस लैपटॉप के डिस्प्ले में 4-साइडेड नैरो बेजल्स देखने को मिल जाते हैं। कंपनी ने इस लैपटॉप में काफ़ी स्लिम बेजल्स प्रोवाइड करवाए हैं, जिससे आपको इसमें 90% का एक्टिव एरिया रेशियो देखने को मिल जाता है। और इस लैपटॉप के डायमेंशंस के बारे में बताऊं तो इस लैपटॉप की विथ 32.2 सेंटीमीटर्स, डेप्थ 21.2 सेंटीमीटर्स, और इस लैपटॉप की हाइट 1.8 सेंटीमीटर्स है। और बता दूं लैपटॉप के बैक पैनल में आगे और पीछे रबर ग्रिप्स देखने को मिलती हैं, जो लैपटॉप में एक अच्छा ग्रिप और कूलिंग बनाए रखेगी। और इस लैपटॉप का वेट सिर्फ 1.39 किलोग्राम है, और यह लैपटॉप 17.9 mm पतला है। यह लेनोवो का एक थिन एंड लाइट वेटेड लैपटॉप है, और यह लैपटॉप ग्रे कलर में आता है। चलिए अब बात करते हैं इस लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में। इस लैपटॉप में AMD का 5th जनरेशन का राइजन 7 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और इसमें 1.8 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक स्पीड से लेकर 4.3 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है। और इसमें जो CPU है वो 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स का है, और इस लैपटॉप में 8 MB की कैशे मेमोरी देखने को मिल जाती है, जिससे आप इस लैपटॉप में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और म्यूजिक प्रोडक्शन कर सकते हैं और ग्राफिक वाले काम कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी लैग के। और आपको इस लैपटॉप में प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 10 होम देखने को मिल जाती है, और वो भी लाइफ टाइम फ्री वैलिडिटी के साथ। और आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2019 देखने को मिलता है। और बता दूं इस लैपटॉप में 512 GB की M.2 NVMe SSD स्टोरेज दी गई है, जिससे आपको इस लैपटॉप में फास्ट बूट टाइम, फास्ट एप्लीकेशन लोडिंग टाइम और बेटर सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिल जाती है। और रैम की बात करूं तो इसमें 8 GB की 3200 MHz की स्पीड वाली सिंगल DDR4 रैम दी गई है, पर आप रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। और बता दूं इस लैपटॉप में AMD का रेडियन इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा, जिससे आप इसमें GTA सैन एंड्रियास और बुली के जैसी गेम्स खेल सकते हैं। पर बता दूं यह कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं है, इसलिए आप हाई लेवल्स पर गेम्स खेल नहीं सकते हैं, सिर्फ नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं। और लेनोवो ने इस लैपटॉप में 2 W के डुअल स्पीकर्स दिए हैं। स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, और लैपटॉप में ऊपर की तरफ लेनोवो का 720 पिक्सल्स वाला HD वेबकैम देखने को मिलता है, और इसके संग इंटीग्रेटेड डिजिटल माइक्रोफोन भी है, और इसमें प्रिवेसी शटर भी दिया गया है। कैमरा की वीडियो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। इस लैपटॉप की वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में बताऊं तो लेनोवो ने इस लैपटॉप में वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 5 प्रोवाइड करवाया है, पर मेरे ख्याल से लेनोवो को वाईफाई 6 प्रोवाइड करवाना चाहिए था। और पोर्ट्स के बारे में बताऊं तो इस लैपटॉप में आपको 1 USB Type-C पोर्ट, 1 microSD कार्ड का स्लॉट, 1 चार्जिंग पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट, 2 USB Type-A पोर्ट्स, 1 3.5 का हेडफोन और माइक्रोफोन का कॉम्बो जैक देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड और टचपैड के बारे में। इस लैपटॉप में स्टैंडर्ड साइज का बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है। कीबोर्ड के कीज के बीच की डिस्टेंस काफ़ी बढ़िया है, जिससे आपको इस लैपटॉप में टाइपिंग करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप स्मूथली टाइपिंग कर सकते हैं।
और बैकलेट कीबोर्ड के साथ आप रात में कमरे की लाइट्स को ऑफ करके लैपटॉप में काम कर सकते हैं। और इस लैपटॉप का टचपैड मल्टी टच गेस्चर्स सपोर्ट करता है, टचपैड की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है। और लेनोवो ने इस लैपटॉप के पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है और फिंगरप्रिंट सेंसर की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतरीन है। और बता दूं, लेनोवो के इस लैपटॉप में 3 सेल्स वाली 56.5 वाट की लिथियम आयन बैटरी दी गई है और आपको इस लैपटॉप में 6 से 7 घंटों तक की बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। और चलिए अब बात करते हैं कि लैपटॉप के बॉक्स को ओपन करने पर आपको क्या देखने को मिलेगा। इस लैपटॉप के बॉक्स में आपको लैपटॉप, पावर अडैप्टर और लैपटॉप के यूज़र मैनुअल देखने को मिलेंगे। लेनोवो का यह लैपटॉप वीडियो एडिटिंग हो, म्यूजिक प्रोडक्शन हो या आपके पर्सनल डे टू डे टास्क के यूज़ के लिए काफ़ी बेहतरीन लैपटॉप है। और इस लैपटॉप में 65,000 के बजट के अंडर में काफ़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाती हैं। और आपको इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस को लेकर किसी तरह का कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। और लेनोवो के इस लैपटॉप में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है और इस लैपटॉप पर आपको पूरे 1 साल की मैन्युफैक्चर वारंटी देखने को मिलती है। आप इसमें 6 से 7 घंटों तक बड़े प्यार से काम कर सकते हैं और आप इस लैपटॉप को लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। वाकई में लेनोवो का यह लैपटॉप एक वैल्यू फॉर मनी डील है। चलिए अब बात करते हैं इस लैपटॉप की कीमत के बारे में। इस लैपटॉप की कीमत है 63,494 रुपये और आप इस लैपटॉप को अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस लैपटॉप का लिंक मिल जाएगा, आप अमेज़ॉन पर जाकर इस लैपटॉप को चेक कर सकते हैं। यदि आप इस लैपटॉप की पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करते हैं तो आपको 5-10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। और इसके साथ में इस लैपटॉप पर अभी कई सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।